ऑफिस वेयर लुक क्रिएट करने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे हूँ। सो वेलकम कर देती हूँ सबसे पहले आपका। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिया डी कुमार चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले हम लोग मेकअप से स्टार्ट करेंगे, और तो मेकअप करते हैं स्टार्ट, और फिर आपको लास्ट में दिखाएंगे ऑल ओवर लुक कि आप कैसे, मीन्स मेकअप से लेकर ड्रेसिंग भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप ड्रेसअप हो सकते हो। तो गाइज, मैंने जो मॉइस्चराइजर लगा लिया है, एंड एक चीज़ और आपको बता दूं, क्योंकि ऑफिस मॉर्निंग में जाते हैं, धूप से कांटेक्ट होता है हमारा, तो मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो भी, जिस भी ब्रांड का सनस्क्रीन लगाते हैं, प्लीज़ लगाना है, आपको भी लगाना चाहिए जैसा कि मैंने बताया। और जिनके पोर्स ओपन हैं और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो वो प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँगी जो कलर बार का प्राइमर है, जो आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और वो मैट फिनिश देती है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कंसीलर मैंने अपने स्किन टोन्स के अकॉर्डिंग लिया है, और क्योंकि कंसीलर आपको लाइट ब्यूटी ऑफिस वेयर लुक क्रिएट कर रहे हैं, तो आपके फेस पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ओवर दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो लिया है ये सैंड 20, इसके सेट नंबर 20 सैंड है, तो ये मैंने लिया है मैबलिन का, और इसे मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी। जिनको डार्क स्पॉट है और नहीं भी है, जैसे मैं यहाँ पे अंडर आई एरिया में जरूर लगाती हूँ, जब भी अगर मुझे थोड़ा बहुत करना भी होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल लाइट सा लगाएं, स्किन टोन से मैच करता हूँ जैसा कि मैंने बताया। कभी कभी आपको यहाँ पर लगेगा शेड आ रहा, तो यहाँ शेडो गिरते हैं, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि रेडनेस की वजह से यहाँ पे मुझे रेडनेस हो जाती है, रेड सा होता है, तो ये सब एरिया में मैं लगा रही हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ पे लगा के हाईलाइट करने के लिए, फिंगर टिप से बस आपको ब्लेंड करना है अच्छे से। इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं मतलब डायरेक्टली कैमरे में देखूँ, कैमरे में ही देख के अपने आप को, खुद को देख के मेकअप कर रही हूँ, तो फिर हो सकता है फोकस इधर उधर हो जाए, तो एडजस्ट कर लेना गाइस। तो ये हो गया, अब हम लोग लगाएंगे फाउंडेशन, और फाउंडेशन है ये भी मैंने मैबलिन सुपर स्टे का फाउंडेशन है, स्किन टोन से मैच करता हुआ, और इसका सेड नंबर नेचुरल आइवोरी सेड है, तो ये भी मैंने स्किन टोन से मैच करता हुआ लिया है। तो इसे बस बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग लेंगे, बिल्कुल लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करेंगे, और नेक एरिया में भी प्लीज़ लगाना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि सुपर स्टे रहे आपके जो फाउंडेशन है मेकअप, तो आप प्राइमर यूज़ करें प्लीज़। तो अब इसे अच्छे से तरह से स्प्रेड कर दें, कहीं पे भी आईज़ एरिया में आपको अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर वो वाइट स्कार छोड़ जाते हैं। आईब्रो को अच्छे से सेट करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मेरी जो आईब्रो है बहुत ही लाइट है, हल्की है, तो उसे तो मुझे करना ही होता है। तो आईब्रो को सेट करेंगे, और ये जो पैलेट है ये लॉरियल, आपको कैमरा में दिख रही है, लॉरियल का है, ब्रो आर्टिस्ट जीनियस किट इस नाम से आती है। इसमें दो शेड होते हैं, ठीक है, एक ब्राउन होते हैं, एक डार्क ब्राउन होते हैं। तो आप चाहे तो सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो दोनों को मिक्स करके, मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ। तो और इसमें एक छोटा सा ये आपको मिलता है सेट करने के पास, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। अब मैंने जैसे लास्ट मेकअप ट्यूटोरियल बताया था, आप आईस और शेडो की हेल्प से भी अपने आईब्रो को सेट कर सकते हैं। तो यह है नायका का ब्रो जेल, इसे आईब्रो मस्कारा भी कहते हैं, और आप कोई भी आई शेडो की हेल्प से या आप कोई भी पाउडर की हेल्प से अगर अपने आईब्रो को सेट करते हैं, उसके ऊपर से अगर इसे यूज़ करते हैं, तो आपके जो आईब्रो है बहुत अच्छे से इनहेंस होते हैं। तो आप चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और आप देख सकते हैं डिफरेंसेस। ब्लश यूज़ करेंगे, और ये ब्लश है मेकअप रेवोल्यूशन का, थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे, बहुत वैसे बहुत ज़्यादा निकल गया, इतना ज़रूरत नहीं थी हमें। आप हाथ से भी चाहें
तो इसे ब्लेंड कर सकते हैं, आप ब्रश से चाहें तो ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं ब्रश से करूँगी, और जैसा मैंने बताया था जब भी ब्लश लगाएं, अगर क्यूट सा चबी सा फेस चाहिए तो ब्लश यहाँ से स्टार्ट करें, अदरवाइज यहाँ से। हो गया, अब इसे क्या करेंगे हम थोड़ा सा आइस में यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे, बहुत अच्छे से देख लो दोनों डिफरेंसेस, क्योंकि ब्लश लगाया है और ये क्यूट क्यूट सा फेस दे रहा है, थोड़ा सा इसे हमें बोल्ड लुक देना है। तो उसके पहले हमें क्या करना है, कॉम्पैक्ट यूज़ कर लेना है। कॉम्पैक्ट क्यों यूज़ करेंगे कि आपके जो मेकअप है वो स्टे रहे, इस वजह से कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे। और कॉम्पैक्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो लॉरियल पैरिस के हाई कवरेज, ऐसे ऐसे पैट करेंगे, बिल्कुल लाइट हैंड से इसको थोड़ा टैप टैप कर लें, सिर्फ सेट करना है, ये नहीं कि आपको पूरा कॉम्पैक्ट पूरे फेस पे एकदम घुमा लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस इसे सेट करना है। देखो आप ये देखो डिफरेंसेस देखो, है ना, इधर सेट हो चुके हैं, अब इधर भी हम सेट करेंगे। तो अंडर आई एरिया को हमेशा सेट करना है, जब भी आपको करना है तो ऊपर देख के करना, क्योंकि क्रीज लाइन जो होती है ना वो बन जाती है, तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि हमें थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड दिखाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। कॉन्ट्रोल करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ मैं यहाँ पे अभी यूज़ कर रही हूँ सारा आप अफोर्ड कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे मैंने लिया है शुगर का ब्रॉन्जर, कॉन्टोर करने के लिए खुद को, हाँ ठीक है। तो ब्राउजर लिया, ये मिनी पैलेट है शुगर का, तो इसका शेप है, आई डोंट नो कि इसमें कितने सारे जो सेट आते हैं, मैंने ऑनलाइन मंगवा लिया था, तो ये है इसका शेप। तो इसमें बिल्कुल जिससे हमने ब्लश लगाया था उसको थोड़ा सा टैप कर रही, वहाँ पे कुछ रहे नहीं, और बिल्कुल लाइट हैंड से थोड़ा सा, क्योंकि हमें थोड़ा सा शार्प दिखाना है जो, तो यहाँ पे बहुत सी गर्ल जो होती है वो आईलाइनर लगाती हैं, बट बहुत होती हैं जो आईलाइनर नहीं लगाना चाहती हैं, नहीं लगा पाती है, तो उनके लिए भी मैं बता दूं, और जो लगाती हैं उनके लिए भी कि आप थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं अपने में। तो यहाँ पे आई शेडो जो मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का, तो ये इन शेड में से मैं सबसे पहले लूँगी लाइट, थोड़ा सा लाइट जो स्किन को मैच करता हुआ हो। तो इसे आपको कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं है, आप फिंगर टिप से भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, अपने आई लिड पे, मतलब जो कॉर्नर होता है ना वहाँ पे बिल्कुल लाइट हैंड से ऐसे स्प्रेड कर दें, और ऊपर की तरफ चल दें, देख लो डिफरेंसेस देख सकते हो आप। अब इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा सा डार्क लेंगे, थोड़ा सा, बस कॉर्नर ऑफ द आई पे लगाएंगे, इससे क्या होता ना आई से ना बहुत खुल के आती है, बहुत प्यारी सी लगती है। कोई भी ब्रश ले लेना, कोई भी ब्रश, और इसमें जो हमने डार्क शेड लिया है, ये डार्क शेड थोड़ा सा आईज के नीचे है, ऐसे ऐसे थोड़ा और डार्क आईज में कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा और डार्क लेंगे। अब इसे क्या करना है, थोड़ा सा कि ओवर ना लगे, मर्ची
आपकी मर्जी, आप चाहें तो आईलाइनर लगा सकते हैं, अदरवाइज नीड नहीं है आईलाइनर की। अब मस्कारा हम लोग लगाएंगे, और मस्कारा जो मैंने लिया है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। देखो ये लॉरियल का मस्कारा है, और ये है वॉल्यूम मिलियन लेसेस। तो मस्कारा तो मैं छोटू सो मिरर में यूज़ करूँगी, तो देखना आप चेंजेस देखना, ठीक है। You can see the differences easily. और नीचे जो है ना आपके जो एलेसेज है उसको उस पर यूज करना ना भूलें, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाती है ना। ये हो गया, अब चलते हैं हम लोग लिप की तरफ। पहले ये जो मैंने रेवोल्यूशन का जो ब्लश आपको दिखाया था उस लिप में पहले थोड़ा थोड़ा सा टैप कर लेंगे, छोटा सा यहाँ पे लिया, और लिप लाइनर है माई ग्लैम जो कि मनीष मल्होत्रा की कंपनी है माई ग्लैम, तो इसे मैं यूज़ करूँगी। शेड है मोचा मैजिक शेड है। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे लिप लाइनर यूज़ कर लिया, और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए नीचे की तरफ भी आपको यूज़ करना है इसे। अब इसे स्प्रेड करना फिंगर की हेल्प से, अब देखना फिंगर में कुछ लगा तो नहीं है। मैबलिन का जो न्यू लिपस्टिक जो आई है उसमें से मैंने पिंक कलर का शेड लिया है गाइस, और इसे भी हम फिंगर टिप्स की हेल्प से ही वेयर करेंगे। गाइस ये हो गया मेकअप डन, और तो चल गाइज एक लास्ट स्टेप हमें करना है टिश्यू पेपर ले, और जितने भी जो आपको एक्स्ट्रा कुछ लग रहा है फेस पे और स्वेटिंग से अगर फील हो रही है या हो रही है स्वेटिंग, तो आप कुछ मत करें, टिश्यू पेपर ले, कॉटन टिश्यू पेपर होनी चाहिए, और उसे क्या करें अपने फेस पे इस तरीके से करना है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंसेस, जितना भी एक्स्ट्रा जो साइन थी वो चली गई, आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं रेडी होके, और आपको बताते हैं, और मिलते हैं आपको। ये ओपन कर लिया है, और अभी मैं बताती हूँ इसको कैसे सेट करना है, तो आपको कॉम करके। तो गाइज मैंने हेयर ओपन कर लिया है, और ऐसे बिल्कुल स्लिक लुक दिया है। आप चाहें तो इसे टाई भी कर सकते हैं स्लिक वे में भी, और थोड़ा सा कर्ल वर्ल कर सकते हैं, मैंने तो अपने आप को स्लिक लुक दिया है एज यू कैन सी डैट। तो सबसे पहले मैं ये टॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, वाइट कलर का टॉप है करूँगी ऑफिस लुक क्रिएट करने के लिए। और जब भी आप कुछ भी पहने तो उसके साथ अगर आप एक्सेसरीज ऐड करते हैं तो सोने पे सुहाग, मीन्स वो और भी चार चांद लगाती है आपके स्टाइल में। तो या तो मैं ये वाले इयर रिंग्स वेयर करूँगी, या तो ये मैं आपको दिखा दूंगी फुल लुक, ये आपको एक कोई भी नेकलेस बिल्कुल पतली सी चेन। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में रेडी होके, और आपको दिखाती हूँ लुक ओवरऑल। Keep you in my heart is where you are, I still think of you, I want you come.